काशी पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ, बोले कोरोना से जंग में यूपी देश में अव्वल। भारतीयों की यात्रा पर कनाडा ने जारी की न्यू एडवाइजरी, तीसरे देश होकर जाना पड़ेगा कनाडा। उत्तराखंड में कोरोना की फर्जी रिपोर्ट लेकर देहरादून मसूरी घूमने आए 13 पर्यटक किए गए गिरफ्तार। जावरा में युवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, गृह मंत्री का पुतला किया गया दहन। सीहोर में महंगाई के विरोध में उतरी महिला कांग्रेस, राष्ट्रपति के नाम पर सौंपा गया ज्ञापन। नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। जावरा शहर में खाशरोद नाके पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पुतला दहन किया गया। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और राज्यसभा सांसद सहित अन्य सैकड़ों लोग भोपाल से गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आरएसएस से जुड़े लघु उद्योग भारतीय को देने के विरोध में थे और इसमें सीएम योगी को मामले से अवगत कराना चाहते थे, पर पुलिस ने उल्टा पूर्व सीएम पर ही कार्यवाही कर दी और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह सहित अन्य लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई। इसी वजह से युवा कांग्रेस जावरा विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र ऊंटवाल के नेतृत्व में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पुतला दहन किया गया। वहीं पुतला दहन करते वक्त एनएसयूआई जिला अध्यक्ष समेत एनएसयूआई युवा कांग्रेस के सभी साथी मौके पर मौजूद रहे। और इसी खबर पर हमारे साथ एमपी हेड धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। तो धर्मेंद्र, आज युवा कांग्रेस का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। जी बिल्कुल, युवा कांग्रेस का प्रदर्शन केवल रतलाम में ही नहीं, जावरा में ही नहीं, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। क्योंकि भोपाल के जो बीएचईएल की जमीन है, जो एक इंजन कारखाना यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ बना हुआ है और यहाँ से देखा भी गया है कि इंजन सप्लाई होते थे, पूरे केंद्रीय सेंट्रल लेवल पर ये काम चलता था यहाँ से, उसकी जो जमीन थी वो सरकार ने आरएसएस को देने की सिफारिश की और पूरी मंशा के साथ सरकार ने उसको आरएसएस को दे रही है। लेकिन ऐसी सूरत में दिग्विजय सिंह और अन्य कांग्रेसियों ने मिलकर इसका विरोध प्रदर्शन किया। जब दिग्विजय सिंह विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे तो उन पर वाटर कैनन से उनको रोका गया, वाटर कैनन के माध्यम से। ऐसी सूरत में प्रदर्शन को खदेड़ा गया। भोपाल की बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे नेता हैं, युवा नेता दिग्विजय सिंह समेत गिरफ्तार कर लिए गए। तो ऐसे में कांग्रेसियों का ये कहना है कि दिग्विजय सिंह ने जो मांग उठाई थी वो जायज थी और सरकार कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद को सहयोग देने के माध्यम से उसको पूरी तरह से उसका समर्थन करते हुए ये जमीन उसे सौंपना चाहती है और जो भेल कारखाना है और जो आवाम है उसके साथ इंसाफी कर रही है, सरकार एक तरफा तानाशाही कर रही है। इसी बात को लेकर युवा कांग्रेस ने भारी विरोध प्रदर्शन किया है और मध्य प्रदेश के कई जिलों में और जिलों में नरोत्तम मिश्रा का पुतला फूंका गया है। ये भी आरोप है कि नरोत्तम मिश्रा ने ही जानबूझकर वाटर कैनन से दिग्विजय सिंह और उनके साथियों पर हमला करवाया है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जावरा से यह बड़ी खबर सामने आई जहां आज युवा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम पर हुई एफआईआर के विरोध में यह धरना प्रदर्शन किया गया, साथ ही गृह मंत्री का पुतला दहन भी किया गया। वहीं महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। जिला महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष गुलाब बाई ठाकुर के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि सीहोर से निकलकर भोपाल जा रही भाजपा मंत्री प्रभुराम चौधरी को महिला कांग्रेस ने कांग्रेस के झंडे और रसोई गैस के खाली सिलेंडर दिखाकर महंगाई का विरोध दर्ज किया। साथ ही राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, जिसके बाद महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आष्टा और स्थानीय कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर बेतहाशा मूल्य वृद्धि के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा। वहीं रतलाम में भी पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के साथ हुई अभद्रता को लेकर युवा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेसियों ने कोर्ट चौराहे पर नारेबाजी कर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पुतला फूंका। पुलिस ने इस दौरान पुतला छीनने का प्रयास किया। इस दौरान कांग्रेसियों और पुलिस के बीच काफी धक्का मुक्की भी देखने को मिली। वहीं कांग्रेसियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया।
सिंगरौली जिले में बनने वाला हवाई अड्डा अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता के चलते कछुए की गति से बन रहा है। इसी का नतीजा है कि ठेकेदार को निर्माण में दी गई डेडलाइन फिलहाल खत्म हो चुकी है और अब 6 माह का एक्सटेंशन दिया गया है। बता दें कि व्यावसायिक केंद्र होने के चलते सिंगरौली में लगातार हवाई पट्टी की मांग की जा रही थी। न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि यहां काम करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हवाई अड्डे की आवश्यकता को महसूस कर रही थी, जिसके चलते भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी NCL और देश की सबसे बड़ी पावर जनरेटर कंपनी NTPC सहित कोयला उत्खनन में लगी कंपनियों ने अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करके एरोड्रम निर्माण के लिए पैसे दिए। लेकिन अब अधिकारियों की लापरवाही के चलते एयरपोर्ट निर्माण का काम अधर में लटका हुआ है। नहीं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी बीच में घर थे इनका मुआवजा का भुगतान किया जा चुका है और इसमें जिसमें एक इलेक्ट्रिक पोल था जिसको भी हटाया जा रहा है और आज और कल में ये जो बीच का अवरोध था वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा और रनवे का जो पूरा एरिया है वो क्लीन रहेगा ताकि आगे इस पर वर्क हो सके और पूरा एयर स्ट्रिप का। तो सिंगरौली से यह मामला सामने आया है जहां एयरपोर्ट का निर्माण कार्य इस वक्त अधिकारियों की लापरवाही के चलते अधर में लटका हुआ है। आपको बता दें कि ठेकेदार को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो भी अब एक्सपायर हो चुका है और अब 6 महीने का एक्सटेंशन ठेकेदार को दिया गया है। लगातार सिंगरौली में एयरपोर्ट की मांग की जा रही थी, जिसके बाद एयरपोर्ट निर्माण के लिए सरकार ने मंजूरी भी दे दी, लेकिन अब एयरपोर्ट निर्माण में अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसके बाद अब हवाई अड्डा लापरवाही की भेंट चढ़ चुका है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट का निर्माण कार्य इस वक्त बहुत कम हुआ है, ऐसे में ग्रामीणों और लोगों का आक्रोश भी इसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सिंगरौली से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर इस वक्त एयरपोर्ट के काम को लेकर लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है। लगातार हवाई पट्टी की मांग की जा रही थी, न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि यहां काम करने वाली बड़ी कंपनियां भी हवाई पट्टी की आवश्यकता को महसूस कर रही थी। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सिंगरौली संवाददाता विनय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विनय, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है जहां हवाई पट्टी का काम इस वक्त अधर में लटका हुआ है, ऐसे में अधिकारियों की घोर लापरवाही सामने आई है, क्या कुछ वजह निकल कर सामने आई है? मैम, बताना चाहता हूँ कि सिंगरौली औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ सिंगरौलिया में हवाई पट्टी बनने वाली थी, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही या सहित कहीं जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से काम पूर्ण नहीं हो पा रहा था। फिर भी ठेकेदार को 6 महीने का इंटेंशन कहें कि ज्यादा समय दिया गया है, फिर भी अधिकारी बचने के लिए कह रहे हैं कि 6 महीने में जल्दी कार्य पूरा पूर्ण हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सिंगरौली जिले में जब बड़ी कंपनियां इनको साथ दे रही है, फिर भी काम जल्द पूर्ण क्यों नहीं हो पा रहा है, बड़ा सवाल बना हुआ है मैडम। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सिंगरौली से आपको बड़ी खबर बता रहे थे जहां इस वक्त एयरपोर्ट के निर्माण में घोर लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिसका नतीजा है कि स्थानीय लोग इस वक्त आक्रोश में हैं और वह लगातार अधिकारियों का विरोध कर रहे हैं। तो चलिए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का, जहां सीहोर के आष्टा तहसील के काव्य साहित्यकारों की संस्था साहित्य शिल्पी के वरिष्ठ कवियों ने काव्य गोष्ठी का आयोजन किया। काव्य गोष्ठी का शुभारंभ मां शारदा की प्रतिमा का पूजा अर्चना और माल्यार्पण करते हुए किया गया, जिसके बाद संस्था के वरिष्ठ कवि अजमत उल्ला खान ने गंगा जमुनी तहजीब के अंतर्गत मां शारदा की वंदना करते हुए विधिवत काव्य गोष्ठी का शुभारंभ किया। इसके साथ ही संस्था के वरिष्ठ कवि और पूर्व अध्यक्ष अमर सिंह घनगौर का बहुमान पत्र भेंट कर पुष्प मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं वरिष्ठ कवि दिलीप संचेती को नवीन अध्यक्ष बनाया गया। विवादित सीएमओ नीता जैन और सहायक निरीक्षक विजय सिंह को रिलीव न करने का मामला इस वक्त गर्मा गया है। बता दें कि जावरा में विगत कुछ माह पूर्व जावरा नगर पालिका में लोकायुक्त ने जाल बिछाकर सीएमओ नीता जैन और सहायक निरीक्षक विजय सिंह शाश्वत को रिश्वत के मामले में पकड़ा था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और वे जमानत पे कुछ ही वक्त बाद रिहा हो गए। लेकिन 18 मई को उनके स्थानांतरण ऑर्डर शासन से आया, लेकिन आज की दिनांक तक उन दोनों को रिलीव नहीं किया गया, जिसके बाद लोकायुक्त के प्रकरण में शिकायतकर्ता पवन भावसार ने जावरा अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा
उन्होंने ज्ञापन देते हुए बताया कि राजनीतिक दबाव में उन्हें रिलीव नहीं किया गया है, जिसके कारण ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वह साक्ष्य मिटा सकते हैं। यहाँ लगभग आज से 5 माह पूर्व नगर पालिका की मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती जैन ने हमारे एक कॉन्ट्रेक्टर भाई पवन भावसार से लगभग 18,500 की रिश्वत ली थी और वो लोग ट्रेप भी हुए थे और लोकायुक्त पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर उनका पंचनामा भी। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे जावरा संवाददाता नाहरू खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नाहरू, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है जहां पर रिश्वतखोर सीएमओ और सहायक निरीक्षक का मामला एक बार फिर गर्माता दिखाई दे रहा है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जिस तरह मैं पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताना चाहूंगा कि विगत कुछ माह पूर्व जावरा नगर पालिका में लोक आयुक्त ने जाल बिछाकर सीएमओ नेता जैन व सहायक निरीक्षक विजय सिंह शक्तावत को रिश्वत के मामले में पकड़ा था, जिसके बाद उन्होंने उनको गिरफ्तार भी किया था और वे जमानत पर रिहा हुए थे। लेकिन इस मामले ने तूल जब पकड़ लिया, जब 18 मई को उनका स्थानांतरण का ऑर्डर शासन से आ गया, लेकिन आज दिनांक तक उन दोनों को रिलीव नहीं किया गया, जिसके बाद लोक आयुक्त के प्रकरण में शिकायतकर्ता पवन भावसार ने इस मामले में आज जावरा अनुविभागीय अधिकारी को कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने बताया कि जिस तरह अभी तक अधिकारी इसमें लिप्त हैं और इनको रिलीव नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये यहीं पर रहेंगी तो ये साक्ष्य को मिटा सकती हैं, साक्ष्य यहाँ से मिट जाएंगे तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने ज्ञापन देते हुए एसडीएम महोदय के ऑफिस के अंदर उन्होंने बताया कि अगर 8 दिनों के अंदर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका नाहरू, तमाम जानकारी के लिए। तो जावरा से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि रिश्वतखोर सीएमओ का विवाद इस वक्त एक बार फिर से गर्मा चुका है। वहीं रतलाम में नल जल योजना के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है। शासन लाख दावे कर ले, लेकिन हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। रतलाम जिले के ग्रामीण अंचलों में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन ना तो इस पर ध्यान दिया जाता है ना ही इन समस्याओं का समाधान किया जाता है। ऐसा ही एक मामला जिला मुख्यालय में भी देखने को मिला, जहां पर ग्राम पंचायत मेवासा के ग्रामवासी पानी की समस्या लेकर पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि उनके यहां एक ही बोरिंग है, लेकिन वह भी सूख गया है और अन्य जगह जो बोरिंग की गई है वहां के लोग उन्हें पानी भरने नहीं देते हैं। इस संबंध में उन्होंने सरपंच, सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार शिकायत करके अवगत कराया, लेकिन उनकी समस्या का कोई भी हल निकल कर सामने नहीं आया है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इंदौर के विजयनगर इलाके में एक मासूम बच्ची एक वहशी के हाथों अपहरण होने से बच गई। अपहरण के दौरान बच्ची के शोर मचाने पर उसके मामा और दूसरे रिश्तेदार जाग गए, जिन्होंने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर अपहरण करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पूछताछ में अपराधी ने बताया कि वह गलत नीयत से बच्ची को उठाने आया था। वहीं टीआई विजयनगर तहजीब काजी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी का नाम संतोष है, जो गांधीनगर का रहने वाला है। वह बच्ची को मुंह दबा कर ले जाने की कोशिश कर रहा था, तभी बच्ची ने शोर मचा दिया, जिसके बाद घर वाले जाग गए और उसके बाद बदमाश बच्ची को छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस वालों ने पुलिस को मामले की खबर दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इंदौर में महिला थाना में एक इंजीनियर पति और उसकी बहन के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया गया है। दरअसल इंदौर में एक नवविवाहिता से उसके पति और ननद ने दहेज में 10 लाख रुपए की मांग की। धोखे से उससे कुछ कागजों में साइन भी करवा लिया गया और इसके बाद महिला को घर से बाहर निकाल दिया गया। पीड़िता ने बताया कि उसका पति एक कंपनी में इंजीनियर है। शादी के बाद से ही पति और ननद दहेज में 10 लाख रुपए की मांग करने लगे। उसने आरोप लगाया कि ननद उसके पति को भड़काती है और पति उसके साथ मारपीट भी करता है। फिलहाल मामला इंदौर के महिला थाने में दर्ज हो चुका है, जहां महिला एसआई ने बताया कि फरियादी की शिकायत के आधार पर पति नयन कुमार, ननद डिंपल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इंदौर में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और मारपीट के मामलों पर पुलिस ने लगाम लगाने में लगातार प्रयास किए हैं, पर इन प्रयासों के बावजूद भी ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं जिससे पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
ऐसा ही मामला इंदौर के समीप सावेर थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां एक लड़की के साथ मारपीट की गई और धारदार हथियार से उसके शरीर के अंगों को काट दिया गया। दरअसल घायल लड़की और आरोपी के बीच पिछले 2 साल से दोस्ती थी, फिर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद लड़की ने आरोपी से किनारा करना चाहा, जिसके बाद आरोपी ने अपने साथी दोस्त के साथ लड़की के घर पहुंचा और कहा सुनी के बाद धारदार हथियार से लड़की के पैर पर कई वार कर उसके पैर की एड़ी और उंगली को काट दिया। फिलहाल लड़की का इलाज MY अस्पताल में जारी है। वही परिजनों के अनुसार घटना के 36 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस ने मामले का संज्ञान नहीं लिया है, लेकिन जब यह मामला इंदौर IG हरिनारायण के पास पहुंचा तो उन्होंने तत्काल सावेर पुलिस को मामले में पीड़िता की मदद करने के आदेश दे दिए। अंग्रेजों को गए भारत से लगभग 74 साल से ज्यादा हो चुका है, फिर भी रीवा के सहकारी उद्यान कुठुलिया में लॉर्ड इरवन लार्ड साहब कैंपू जैसे आम लोगों के नामों के तौर पर फिलहाल जिंदा है। यहाँ पर लगभग 112 प्रजाति के आम मौजूद हैं। इसमें से एक आम हूबहू उसी की तरह दिखता है, जिसे अभी हाल में ही जापानी आम कहकर काफी महंगे दामों में बाजार में बेचा गया था। बता दें कि रीवा के कठुलिया अनुसंधान केंद्र में आम के पेड़ की भारी भरकम नर्सरी मौजूद है। यहाँ पर देश के लगभग सभी वैरायटी के आमों की नस्लें मौजूद हैं। बता दें कि लंगड़ा, दशहरी, चौसा, सुंदरजा, आम्रपाली के साथ साथ कई राजा महाराजाओं के नाम पर भी यहाँ आम के पेड़ मौजूद हैं, जिसमें रीवा रियासत के महाराजा मातंड सिंह गुलाब सिंह के नाम पर भी गुलाब भोरा मशहूर है। आपको बता दें कि यहाँ पर अंग्रेजों के नाम पर भी आमों की वैरायटी मौजूद है, उनमें से लाद साहब कैंपू और इरविन कुछ ज्यादा ही खास है। ये फल अनुसंधान कठुलिया है, फार्म है और यहाँ रिसर्च सेंटर है और 125 वैरायटी के आम लगाए गए थे। अब वर्तमान में जो आम जो हैं अपने, तो बहुत सारे आम के जिनको लोग नहीं जान पाते हैं यहाँ अंग्रेजों के नाम से भी आम रूप में प्रचलित हैं, जिसे लॉर्ड इरविन के नाम से इरविन, सनसेशन, हिज हाइनेस, लॉर्ड कंपू, रूमानी, एयू रूमानी करके नाम मतलब यहाँ वर्तमान में पाए जाते हैं और उन्हीं में से कुछ आमों को बाहर इसको प्रचारित करके लाखों रुपए का कीमत के हिसाब। जावरा के गांव सरसी में बारिश के लिए अजीबोगरीब टोटके करते हुए ग्रामीण दिखाई दे रहे हैं। बारिश के लिए ग्रामीणों ने गांव के सरपंच और गांव के मुखिया को ही गधे पर बैठाकर घुमा दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मान्यता है कि बारिश नहीं होने पर इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए गांव के मुखिया द्वारा गधे की सवारी कर देवी देवताओं का पूजन करने से मोहल्ले में अच्छी बारिश होती है। इसलिए गांव के सरपंच प्रतिनिधि राजेश चतर और मुखिया विनोद पटेल को गधे की सवारी कराई गई। इसके बाद गांव के लोगों ने देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर अच्छी बारिश की प्रार्थना की। ये सवारी सरसी के राजा हनुमान मंदिर से प्रारंभ हुई और पूरे गांव में घूमकर शमशान पहुंची। गधे की सवारी की शोभा यात्रा निकालने वाले ग्रामीणों ने बताया कि पुराने दौर में बारिश न होने से रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए गांव के राजा गधे पर बैठकर सवारी करते थे और देवी देवताओं की पूजा कर बारिश की प्रार्थना करते थे। वर्तमान के दौर में गांव के सरपंच और मुखिया ही गांव के राजा माने जाते हैं, इसलिए इंद्रदेव को मनाने के लिए गधे की सवारी निकाली जा रही है। ये हमारे पूरे गांव में पानी नहीं गिर रहा है और इस वजह से गांव के सभी लोगों ने सोचा कि अगर ये टोटका अगर अपन करेंगे, गधे के बैठ के घुमाएंगे और शमशान घाट में जाके भैरव जी के काल भैरव को मनाएंगे, इससे गांव में पानी भी गिरेगा और सब गांव के लोग सुखी रहेंगे। आज पूरे गांव की एक इच्छा थी कि पुरानी परंपराएं हैं कि गांव के पटेल को गधे पर बिठाकर नगर भ्रमण कराया जाता है एवं शमशान में जाकर उसकी परिक्रमा कराई जाती है। पुरानी मान्यता है कि ऐसा करने से ये टोटका है पानी गिर जाता है। हमारे सभी गाँव में आसपास सभी में पानी गिर रहा है और सरसी में नहीं गिर रहा है, इसी कारण आज ये गधे पर बिठाकर नगर भ्रमण कराया। और इसी के साथ फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम TV के साथ। नमस्कार।